नमस्कार, मैं हूं सैफ खान और आप देख रहे हैं एचएन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की एक खास खबर पर। वार्ड नंबर 20 की समस्या। नगर पालिका अंतर्गत वार्ड नंबर 20 की समस्या। तालिबसराय जलवा मलवा क्षेत्र में रहने वालों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं रमजान शरीफ का पाक महीना मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र में गंदगी इतनी है कि आने जाने वाले लोग देखकर शर्मा जाए। वहीं वार्ड के सभासद देखते रहते हैं मगर कुछ काम नहीं कर रहे। वहीं रहने वालों की इतनी परेशानियां देखते हुए भी उनके कान में जू नहीं रेंग रही। वार्ड नंबर 20 के लोग नगर पालिका तक भी पहुँचे, ईओ साहब को भी जाकर जानकारी दी, मगर उन्होंने भी अभी तक कोई भी कलम कार्रवाई नहीं की। वहीं हमारी टीम एचएन न्यूज वहां तक पहुंची, लोगों की परेशानियों को सुना। देखते हैं वार्ड सभासद अपने ही वार्ड की साफ सफाई करवाते हैं या यूं ही पड़ा रहने देंगे। वहीं नगर पालिका जरा ध्यान दे, वहां के रहने वालों को परेशानियों का खासा सामना करना पड़ रहा है। अब देखते यह है कि नगर पालिका भी साफ सफाई पर ध्यान देगी या इस वार्ड में ऐसे ही गंदगी पनपती रहेगी। पेश है उन्नाव के संवाददाता मुनीर खान की यह एक रिपोर्ट। 20 नंबर वार्ड में खड़े हुए हैं, आपका मकान भी यहीं पे है, क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को? हम लोग इतनी परेशानियां हैं कि पानी से हम लोग बहुत परेशान हैं, निकलने बैठने से परेशान हैं। यहाँ किसी बात की कोई सुनवाई नहीं होती है। जमादारों से कहते हैं तो आते हैं, ऊपर ऊपर करके चले जाते हैं। सारे पानी भरा हुआ है, हम लोग मस्जिद जाने में दिक्कतें होती हैं, नमाज वाज पढ़ने में दिक्कतें होती हैं, और रमजान का समय है और कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप खुद आकर के देख लीजिए आकर के। मेरा नाम शाहीन बेगम है, हम यहाँ 20 साल से रह रहे हैं, लेकिन तब भी हमें यही मुश्किल थी, आज भी यही मुश्किल है। और आज तो इतनी परेशानी है कि मेरा खुद का बच्चा कल रात में तरावी पढ़ने जा रहा था, यहीं गिरा, और रात में आखिर वो गया जाके, फिर से उसने नहाया, उसकी तरावी भी छूट गई, तभी हमने आपको बुलाया है। भैया हमारे तो घर में पानी भरा हुआ है, हम लोग निकल नहीं पा रहे, एकदम दरवाजे के अंदर घर के अंदर पानी भरा हुआ है, बताओ कैसे निकले। रोज हमारे हस्बैंड निकलते गाड़ी ले लेकर, रोज पैर उनका नाली में जाता है, ना हम लोग नमाज पढ़ पा रहे ना रोजा रख पा रहे। सभासद से कभी आप लोग ने मिली बात? 70 बार कहा है, बुलाया भी, दिखाया भी, मगर वो कहते हैं कि हमारी वहाँ से सुनवाई नहीं होती, उनको गाड़ी नहीं मिलती है, कि उनको पैसा नहीं मिल रहा है। नगर पालिका वगैरह से कुछ ऐसी सब कुछ करवा चुके, कुछ मदद नहीं। नगर पालिका आप लोग गई थी? हाँ जा चुके हैं सब लोग, कोई सुनवाई कहीं नहीं हुई। 3 साल से हम लोग परेशान है, 4 साल यहाँ बुला के लाए, वो देखा और जब बोलने लगे तो सभासद अपने आप गाड़ी मोड़ा, वो चले गए। और यहाँ का जो ये इनका सुनवाई नहीं करता, हम लोग सुपरवाइजर को समझ लिए ना, गंदी नाली के कीड़े पड़े हुए हैं। ये वार्ड का हमारा प्रॉब्लम इतनी जबरदस्त चल रही है कि यहाँ पे जितने भी पब्लिक है मौजूद, तो सब यही कह रही है कि हमारे वार्ड में कोई सफाई सुथराई नहीं हो रही है।